जय श्री रामकृष्ण। आज आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ कब्ज के लिए। कब्ज एक वो व्याधि है जिससे व्यक्ति मरता तो नहीं है पर परेशान बहुत होता है, और उस परेशानी उस कठिनाई को मल त्याग के समय और दिन में अपने कार्यभार के समय व्यतीत या महसूस करता है कि ये कब्ज की कठिनाई क्या है। दिन के अंदर गैस बनना, डकारे आना, पेट का फूलना, आफरा आना, इस प्रकार मल त्यागते वक्त मलाशय के द्वार पर चीरे पड़ना, दर्द के साथ में मल त्याग की स्थिति होना, ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियो अपडेट मिलते रहे। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कब्ज निवारक घरेलू उपचार। प्रथम, अगर जहाँ तक होवे आपकी डाइट के अंदर आप फाइबर आहार लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, पर हर व्यक्ति डाइट प्लान नहीं ले सकता, हर व्यक्ति को ये पता नहीं होता डाइट प्लान क्या है और फाइबर क्या होता है, इसलिए और जानकारी होने के बाद में भी आदमी ले नहीं पाता है क्योंकि अनुकूलता घर में नहीं होती है या स्वाद के वशीभूत वो भोजन कर लेता है जिसका उसे नहीं करना है। फिर भी आपको बता दूं, तले भुने मिर्च मसाले वाले भोजन हो आप उसको त्याग दें। दूसरे, आप मैदा वाली आइटम जो भी होती है जिससे मैदा बनता है, मैदे में जो भोजन पड़ता है जैसे कचौरी, जलेबी, इस प्रकार से तंदूरी रोटी, ये कब्ज कारक हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, आलू, तो कोशिश आप यही करें ज़्यादा दूध और दही खाएंगे तो उससे भी कब्जी होगी। निवारण में आपको मैं बता दूं, कोशिश करें आप सप्ताह में एक दिन व्रत रखें और फलाहार पे रहें, और घरेलू नुस्खा ये है, हरड़े आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, काली हरड़े आती है, छोटी हरड़े आती है, उस हरड़े को आप लाइए, वैसे अगर आप मुँह में रखना चाहें तो हो सकता है थोड़े से पीले दाँत होंगे, पर मुंह के अंदर उसका जो रस जाएगा उससे आप मुंह के अंदर ही रखिए एक गुटके की भांति, और जब वो आपके मुंह के अंदर फूल जाए तब आप चबा के खा लीजिए, इससे आपके दांत थोड़ा मुख पीला ज़रूर नज़र आएगा पर कब्ज की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। अगर ये भी ना बन पड़े तो उसके लिए आगे आपको मैं बता रहा हूँ, आप अरंडी का तेल जिसको कैस्ट्रोल ऑयल बोलते हैं आप उसको लाइए और उसके अंदर उस हरड़े को पका दीजिए, और यानी तलना है आपको उसमें, जब वो उस अरंडी के तेल में फूल जाएगी उसको आप बाहर निकाल दीजिए, फिर वह हल्की हो जाएगी, आप उसको फिर तेल से सुखा के उसको पीस दीजिए, पीस के आप चूर्ण रख लीजिए, स्वाद के अनुसार आप उसमें सेंधा नमक भी मिला सकते हैं, और उसके बाद आप आपकी आवश्यकता के अनुसार आधा चम्मच चम्मच जितनी ज़रूरत हो आप खाने के बाद में उसको लीजिए, आपको महंगे इलाज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी लोगों को महंगे इलाज तालमेल नहीं बैठता है, ये घरेलू गरीब नुस्खा है और आसानी से सरलता से घर पर बनाया जा सकता है जिससे आपको आपकी कठिनाइयां दूर हो जाएगी, नहीं तो मल निष्कासन के वक्त कई बार भगंदर होने की भी अवस्थाएं आती है, चीरे पड़ जाते हैं मलाशय में तब दुख होता है, इसलिए मैंने जो बताया है आप वो उपाय करें, निश्चित है आपको फ़ायदा मिलेगा और हो सके आप लोगों को बताना शुरू कर दोगे कि इस प्रकार के घरेलू नुस्खे आप करो फ़ायदा मिलेगा। देखते रहिए मेरे वीडियो, इस तरह आपके लिए घरेलू
जो स्वास्थ्य के टिप्स हैं, छोटे छोटे वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।